का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कितनी मजबूती से लड़ा जाएगा, पूरे देश के अंदर हमें 400 सीट प्राप्त होगा इसकी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी नहीं महापूरी कहिए, ये तो पूरी कम बुझाएगा, महापूरी भागलपुर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी और भागलपुर के निवर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल के नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर तैयारी के लिए बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान भाजपा, जदयू, एलजेपी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव में हिस्सा लेने की बात कही है। सादे वहीं एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर सरकार के द्वारा किए गए कार्य की जानकारी देते हुए एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, लोजपा जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार पासवान, अमर सिंह कुशवाहा, संगीता तिवारी, शिशुपाल भारती समेत काफी संख्या में एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद ने जदयू समेत अपने सहयोगी दलों के कई नेताओं का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया, जबकि एनडीए के कई नेताओं ने भी सांसद को माला पहनाकर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने की शुभकामना दी। साथ ही चुनाव को लेकर कई तरह की तैयारियों पर चर्चा करने के बाद एनडीए नेताओं ने एकजुटता प्रदर्शित किया। इसके अलावा सांसद अजय कुमार मंडल ने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की आम जनता के अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जो बैठक में पार्टी एनडीए का जो एजेंडा है, एनडीए का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कितनी मजबूती से लड़ा जाएगा, विरोधियों को परास्त करते हुए पूरे देश के अंदर हमें 400 सीट प्राप्त होगा, इस 2 तारीख को हम नॉमिनेशन कर रहे हैं और अपने सारे पदाधिकारियों से, सारे भागलपुर की जनता से आग्रह करने आए हैं कि अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि 2 तारीख को आकर के हमारा नॉमिनेशन करा दीजिए और अपना आशीर्वाद दे करके मुझे विजयी बनाइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल पूरी नहीं महापूरी कहिए, ये तो पूरी कम बुझाएगा, महापूर्ण पूरी समर्थन ना, यानी जो कि कहा नहीं जा सकता है, वहाँ हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का पूरी पूरी समर्थन है। कहीं नॉमिनेशन में अभी तो नेता तय करेंगे ना, उसमें हमें क्या तय करना, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बचपन पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मिल करके तय करेंगे। नीतीश जी से कल मुलाकात हुई आपके, सम्राट चौधरी से क्या कुछ बात हुई? अब वो बात जो हुई तो अंदर की बात है, बाहर कैसे निकाल सकते हैं, सबों ने मिल सबको हम आग्रह किया मेरे यहाँ आइए, मैं इसके लिए गया था और उन्होंने मुझे रणनीति में लड़ने के लिए, चलने के लिए बताया कि इस नीति से चलना है।